एक और तो जहां समूचा देश कोविड का दंश झेल रहा है और मातम के साए में झेल रहा है, वहीं जिले में सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने इस आपदा को अवसर में बदलकर कोविड के समस्त नियमों को ताक पर रखकर रेत के अवैध उत्खनन के कार्य में लिप्त हैं। बुरहाड़ का एक युवा नेता इन अवैध कार्यों में एक योद्धा की तरह चाका रेत खदान में लंगर जमा कर बैठा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के कारिंदों की इतनी क्या विसात जो इस योद्धा के कुकर्म को रोक सके। कोरोना काल में युवा नेता का बोलबाला, अपने आप को चाल चरित्र और चेहरे का दम भरने वाले पार्टी का यह सिपाही, जो अक्सर सोशल मीडिया में संघ की गणवेश पहनकर तस्वीरें शेयर करने में माहिर है, उसे इस काल में भी संघ के सेवा भाव से कोई लेना देना नहीं है। जहां इस युवा नेता को इस मुश्किल घड़ी में जनता की सेवा कर अन्य युवाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन पैसों की भूख और सत्ता की चकाचौंध ने इस योद्धा की विवेक बुद्धि की धार को मंद कर दिया है। सत्ता के सिपाहियों के दम पर वंशिका के बोलबाले। यूं तो कहने को जिले में सभी रेत खदानों पर संचालित वंशिका ग्रुप ही कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी ही कहानी बयां करती है। जिले की समस्त रेत खदानों को वंशिका ग्रुप ने ठेके पर सत्ताधारी दल के कुछ चुनिंदा नेताओं को दे रखा है और इन नेताओं के दम पर ही रेत चोरी का खेल खेला जा रहा है। इसकी स्वीकृति अक्सर फोन पर चर्चाओं के दौरान सत्ताधारी दल से जुड़े नेता स्वयं ही करते हैं और किस तरह से मैनेजमेंट से यह पूरा खेल खेला जाता है उसकी कहानी स्वयं ही बयां करते हैं और सुने जा सकते हैं। जब नेताओं को इस चोरी के खेल से कोई भय नहीं है तो विभाग की क्या मजाल जो नेताओं के गिरेबान में हाथ डाल सके। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा भी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश पन्ने खा, ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है और बाकी चीजें भी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।